दरअसल और आ चुके हैं हम सरयू नदी पे स्नान करने अयोध्या जी में, और अब नहाने जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पसीने हो रखे हैं इसलिए, बाकी बात जो है बाद में करते हैं, पहले नहा लेते हैं।
भाई लोगों स्नान कर लिया है और आते आते हम काफ़ी लेट हो गए, 3:30 बजे आना था और ट्रेन जो है काफ़ी लेट हो गई, इस वजह से रामलला के दर्शन नहीं हो पाए। अब रामेश्वरम से आके तब करेंगे दर्शन 2 तारीख की सुबह को, और रात को निकल जाएंगे रामेश्वरम। और ऐसे अपन नज़ारे बॉक्सर राम जन्मभूमि के जो दर्शन है वो 6 बजे तक होते हैं। मैंने नेट पे चेक करा था, 9:30 बजे तक उसमें दे रखा था, मगर ऑटो वाले से कंफर्म करा, अभी नहा के फिर पसीने आ रहे हैं, ऑटो वाले से कंफर्म करा तो पता लगी कि 6 बजे के बाद दर्शन नहीं होंगे। और ये मेरी माता जी नहा रही हैं, शाम होने वाली है। तो अपने भारतवर्ष में 14 जगह जहाँ पे पिंडदान करा जाता है, तर्पण करा जाता है, उनमें से एक अयोध्या भी है। तो अभी नहा लिए हैं, उसके बाद तर्पण का काम करेंगे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और आज रात को निकल जाएंगे रामेश्वरम, 12 बजे ट्रेन है जो कि हमें उतारेगी 29 तारीख की सुबह 7 बजे अगर ऑन टाइम रही तो, और फिर वापसी 30 तारीख की रात को है, नहीं हाँ 30 तारीख की रात को 11:30 या 12:15 बजे दोबारा ट्रेन है जो कि 2 तारीख की सुबह में हमें यहाँ उतारेगी अयोध्या। तो सबसे पहले हम वहाँ से उतरते ही वहाँ जाएंगे राम जन्मभूमि, वहाँ के दर्शन करेंगे क्योंकि दर्शन करने वहाँ के रह गए हैं। अरे माता जी, मेरे भाई को आवाज़ नहीं, ओम देखो मैया। तो सबसे पहले फिर वहाँ के दर्शन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आके स्नान करेंगे और फिर 2 बजे वापसी ट्रेन है 2 तारीख को। तो 2 तारीख की रात को कहीं ना कहीं हम मुरादाबाद पहुँचेंगे अपने घर। ये तीर्थ यात्रा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाली है। यहाँ से रामेश्वरम करीब 2 दिन से ज़्यादा सफ़र है, 48 घंटे प्लस 7-8 घंटे और, तो मतलब 55-56 घंटे का रास्ता है यहाँ से अगर ऑन टाइम रही तो। लेट हो जाएगी तो अलग बात है, तो बस रामेश्वरम में तो मज़े ही आने वाले हैं। यहाँ पे मैं 3री बार आया हूँ अयोध्या में और रामेश्वरम 2री बार जाऊँगा। अपनी लाइफ की लाइफ टाइम अचीवमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। अभी नहा के निकला हूँ, फिर भी पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, मुझे चिपचिपाहट है, बारिश पड़ जाए तो अच्छा लगेगा। टेम्परेचर वही होगा 38-42 के आसपास, तो रामेश्वरम में टेम्परेचर हल्का फुल्का गिरेगा, 30-32 मैक्स होगा मेरे ख्याल से मैक्सिमम, और मिनिमम भी ऐसी 28-29 होगा। वहाँ कोस्टल एरिया तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, दिक्कत तो सारी यहीं पर ही होती है। काफ़ी सही लग रहा है 3री बार आके, राम जन्मभूमि के दर्शन 2 तारीख को करेंगे, 2 बार कर चुके हैं पहले। और ये ट्रक आ रहा है, बहुत ही गाने चल रहे हैं इस ट्रक में। और सूर्यदेव उनके पीछे हैं, हल्की हल्की रेज आ रही हैं वाटर में, गंगा जी में सरयू नदी में, अगर दिख रही है तो मुझे तो दिख रही है कैमरे में, पता नहीं दिख रही नहीं दिख रही। तो काफ़ी सही टाइम हम आए हैं और नेक्स्ट टाइम सुबह आएंगे तो वो भी टाइम ऐसे ही रहने वाला है, कम धूप का। मौज ले रहे हैं।
भाई लोगों तर्पण वाला काम भी हो गया है और अब 7 या 7 बजने वाले हैं, मुश्किल से 4-5 मिनट रह गए हैं और आरती की तैयारी हो गई है। तो इतनी दूर बैठे हैं आके तो आरती देख ही लेते हैं सरयू माता की। और संध्या भी हो चुकी है, यानी कि शाम हो चुकी है, देखो पता ही लग रहा होगा। यहाँ पंडित जी तैयारी कर रहे हैं नीचे और ये 3-4 घंटे हैं, यहाँ पर घंटे बजेंगे, नीचे आरती होगी। तो पहली बार सरयू माता की आरती देख रहे हैं। चलो मैं नीचे जाके देखता हूँ क्या क्या हो रहा है। बतानी भूल गया हूँ कि यही वो सरयू नदी है जहाँ पे राम जी ने जन्मग्न होकर अपना मानव शरीर संपूर्ण किया था और वैकुंठ धाम को गए थे। जबकि उन्होंने कहा था कि अयोध्या वासी से कोई भी मेरे साथ चलना चाहता हो तो मेरे साथ चल सकता है और उसको वैकुंठ ही मिलेगा। कोई तैयार नहीं हुआ, अगर मैं होता उस युग में तो मैं तो पक्का उनके साथ जाता। अब क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, हमारे युग में कल्कि देव का अवतार होगा। तो 10वां अवतार है नारायण भगवान जी का, देखते हैं कभी उनके साथ मौका लग गया तो ठीक ही है, वरना अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर ही रहे हैं कि उस मंदिर तक पहुँचे, उस मुकाम को हासिल करें। तो बस आरती की तैयारी हो रही है, एक पंडित जी ये सब लोग जो है आरती की तैयारी कर रहे हैं और ये दीप प्रज्वलित करेंगे, उसमें बत्ती रख रहे हैं काफ़ी सारी। और शायद ये सरयू माता हैं, प्लेट वगैरह सबकी मतलब धुलाई हुई है, जितने भी यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं जितने भी पूजा पाठ के। और अब शाम हो चुकी है बहुत सही से वाली और अब भी देखो नाव चल रही है, लोग पता नहीं अब भी अंधेरे में बैठे हुए हैं। वैसे कैमरे में तो लाइटिंग सही आ रही होगी, आ रही नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है मेरे को, तो बस मज़े ले रहे हैं अभी। कर भी कह सकते हैं, जा ही सकते नहीं, अयोध्या पूरा घूम रखा है जो मेन मंदिर थे। और रात को 12 बजे ट्रेन है तो सोचा यहीं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है और उसके बाद ऑटो जाएंगे बाज़ार में, कुछ खाते पीते बढ़िया था, बस 12 बजे का इंतज़ार करेंगे और फिर पहुँचेंगे 2-3 दिन बाद रामेश्वरम।